आज हम इस प्रकार की साड़ी से एक डोरमेट की उधाई करेंगे। यह साड़ी पुरानी चलन वाली साड़ी ली गई है। पल्लू पर एक फ्लोर आता है और पूरी साड़ी एक ही कलर की ली गई है। सिंपल साड़ी है, पल्लू पर थोड़ा सा बॉर्डर आता है और इन साड़ियों की खास बात यह है कि इनकी पटिया काट लेते हैं 4-4 इंच की, और काटने के बाद में जब डोरमेट बनाते हैं तो इसके धागे नहीं निकलते, ये इसकी खास बात होती है। ये मार्केट में पुरानी चलन वाली साड़ी के नाम से मिल जाती है। इस प्रकार से पटिया 4 इंच की 5 इंच की पटिया काट लेते हैं कैंची की सहायता से। पट्टी के इस हिस्से को फोल्ड कर लेते हैं। और दो उंगलियों पर 2 राउंड लगा लेते हैं और दूसरे हिस्से पर एक सेफ्टी पिन अटैच कर लेते हैं। और 2 उंगलियों पर इस प्रकार से सेफ्टी पिन निकालते हुए नोट लगा रहे हैं वीडियो रिकॉर्डिंग के अनुसार। सबसे पहले पायदान बनाने के लिए सबसे पहले एक रिंग की उठाई करते हैं। जब रिंग की उठाई करने आ जाती है तो हमें एक पायदान बनाना सीख जाते हैं। धीरे धीरे घर पे इस प्रकार से अभ्यास करेंगे एक रिंग बनाना। धीरे धीरे रिंग बनाना अभ्यास करेंगे तो एक रिंग सही तरीके से रिंग बन जाएगी, फिर हम पायदान का स्टार्ट कर देंगे। दोनों उंगलियों इस प्रकार से रिंग को आगे पीछे खिसकाते रहते हैं। इस प्रकार से चारों तरफ नोट लगा चुके हैं और रिंग को बाहर निकाल देते हैं उंगली से और इसे सीधा कर लेते हैं। इस प्रकार से एक रिंग की उधाई कर लेते हैं और पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। एक ही पट्टी द्वारा इस प्रकार से एक रिंग की उधाई कर लेते हैं। अब हम एक राउंड और लगाएंगे इसमें। इसको फंदे बोलते हैं, इसको लूप भी बोलते हैं। इसके अंदर के ही साड़ी की पट्टी को निकालते हैं डोरमेट बनाने के लिए।
और अब हम एक पहला राउंड शुरू करेंगे और पहले राउंड में एक फंदे में दो फंदे निकालेंगे। अगले फंदे में एक फंदे में दो फंदे निकालेंगे। इस प्रकार से एक फंदे में दो फंदे निकालकर एक राउंड पूरा कर लेते हैं। इस प्रकार से हमारा एक राउंड पूरा हो चुका है। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। रिंग में किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है। जब रिंग बनाना जाता है शुरू में तो आगे डोरमेट बनाना बहुत ही सिंपल तरीके से सीख जाते हैं। अब आगे एक फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे। तीन चार राउंड लगाएंगे और जब तीन चार राउंड लगाने के बाद में जब फंदों का आकार बढ़ जाता है तो उस राउंड में एक फंदे में दो फंदा निकालेंगे। फिर आगे एक फंदे में एक फंदा निकालते हुए दो तीन राउंड और लगाएंगे और जब फंदों का आकार बढ़ जाएगा तो उस राउंड में एक फंदे में दो फंदा निकालेंगे। इस नियम के अनुसार जितना बड़ा डोरमेट बनाना चाहते हैं उतना बड़ा डोरमेट आप बना सकते हो।